बेटी जल्दी उठ जा, घड़ी में 12 बज चुके हैं, और कितना सोएगी? कॉलेज वॉलेज नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? उठ जा, जल्दी उठ जा। अरे सिर्फ 12 बजे है, तुझे पता भी है 12 मतलब आफ्टरनून हो गए हैं। हे भगवान, क्या सिखाया है तुझे, चल उठ। क्या मम्मी, इतनी जल्दी क्यों उठाती हो? अभी लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो सोई थी और तुमने जगा दिया। बड़की अब तू भी मत सुन, हो जा, चल दोनों उठ जा, अभी नहा कर जल्दी जल्दी खाना खा ले। खाने भी मैं क्या दूं तुझे, लंच दूं या ब्रेकफास्ट दूं? मैं खुद कंफ्यूज रहती हूँ तुम दोनों को लेकर, चल उठ। मम्मी सब्जी में थोड़ी नमक कम है, कोई बात नहीं आप थोड़ा देख के डाला करना। हे भगवान, कभी नमक कम तो कभी नमक ज्यादा, दोनों खा ले चुप से। दिन भर काम करते रहती हूँ, थोड़ा हाथ तो बटा लिया कर माँ का, कोई काम की नहीं है तुम लोग। मम्मी नाश्ता कंप्लीट कर लिया है। अच्छा सुनो ना मम्मी, आज मुझे ना कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आज मुझे मैंने यूट्यूब में ट्यूटोरियल सिखाने का, छोटी सिखाएगी ना? चल मम्मी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मैं मेकअप करने के बाद और खूबसूरत हो जाती हूँ। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत है, लेकिन ये दुनिया को भी तो बताना है कि मेकअप करने के बाद लड़कियाँ कितनी सुंदर लगती है। हाँ दीदी चलो करते हैं, बहुत मजा आएगा। दीदी आप तो मेकअप करोगी? ये मेरे भी कॉलेज में ना कुछ फंक्शन आ रहे हैं, तो मैं तुमसे ना मेकअप सीख लूंगी, ठीक है ना? चलो चलो। हे भगवान, मेरी दोनों खूबसूरत बेटियां, क्या करूं मैं तुम लोगों का। कभी लड़ती है, कभी प्यार करती है, और कभी तो कभी ऐसी शैतानियां करती है कि पूछो ही मत। चल जा अपने रूम में, मैं तब तक तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, ठीक है ना? अरे वाह, आज तो लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे माँ बेटियों का चर्चा चल रहा है, क्यों है ना? जी आज बड़की कुछ सिखाने वाली है YouTube में, वो क्या कहते हैं मेकअप ट्यूटोरियल। बस मुझे तो डर है कि पता नहीं इसे देखकर फिर किसी डायरेक्टर की लाइन ना लग जाए मेरी बड़की के लिए। बड़की तू आज फेमस होने वाली है, पता है ना? मम्मी आप भी ना कुछ भी कह देती है। दीदी आज तो पूरा मन लगा के मेकअप सिखाना, क्योंकि कैटरीना जो है ना वो मेरी बहुत फेवरेट है, और जो नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है ना हमारे कॉलेज में, मुझे बिल्कुल वैसे ही मेकअप करके जाना जैसा कैटरीना ने किया था। दीदी करोगी ना? चलो चलो आज मुझे सिखा ही दो तुम। हाँ छोटी, आज मैं बहुत मन लगा के मेकअप सिखाऊंगी, और सुनो काफी मन लगा कर मेरे ट्यूटोरियल को तुम सीखना, क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, और मेरी खूबसूरती देखकर तुम हमेशा कहती हो दीदी मैं तुम्हारी तरह कब दिखने में लगूंगी। अच्छा बहुत बातें हो गई, चल जा अब जल्दी से अपने जो जो काम है सारे निपटा ले, ठीक है? वीडियो मन लगा के बनाना, और सुन दोनों झगड़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? दीदी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।
मेरी एक छोटी बहन भी है। दीदी तुम इस तरह ट्यूटोरियल करोगी क्या? अपनी फैमिली की हिस्ट्री क्यों बता रही हो? सिर्फ मेकअप नहीं सिखा सकती हो क्या? छोटी तुम्हें कुछ पता नहीं है बड़ों से कैसे बातें करते हैं। मेरे कैमरे के उस पार में कितने बड़े आदमी लोग बैठे हुए हैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। पहले उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहिए फिर मेकअप सिखाना चाहिए। ठीक है ठीक है बहुत बोल लिया अब मेकअप भी सिखाओ। कब से बैठे हुए हैं दर्शक तो भाग जाएंगे। दीदी छोटी तुम्हें कुछ पता नहीं है बड़ों से कैसे बातें करते हैं। मेरे कैमरे के उस पार में कितने बड़े आदमी लोग बैठे हुए हैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। पहले उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहिए फिर मेकअप सिखाना चाहिए। जी नमस्ते आप सबों का मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेकअप सिखाऊंगी और मुझे ये सब करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत भी पड़ेगी जैसे ये ब्रश, ये मेकअप का आई शैडो और लिपस्टिक जो मुझे चाहिए। उसके बाद इसे ब्रश से स्मच करेंगे। इसके बाद हम फेस पाउडर लगाएंगे। अब हम अपनी आंखों को स्मोकी आईज बनाएंगे। तो कर क्या रही हो? मैंने तो कुछ
अरे क्या बात है, क्यों झगड़ा करते रहती हो दोनों बहनें? कभी तो शांति बनाए रखो। बल्कि तू तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल कटरीना कैफ की तरह। ओ काजोल की तरह तू सुंदर लग रही है। वाह भाई वाह, देखा है सुजाता मेरी दो परियां कितनी खूबसूरत है। वही तो, देखिए ना दोनों दिन भर लड़ते रहती है लेकिन दोनों में प्यार भी बहुत है, है ना छोटी? तू दीदी को जल्दी से सॉरी बोल, वरना ये ठीक नहीं, ऐसी शिक्षा मैंने तुझे नहीं दी है छोटी। तू हमेशा दीदी से लड़ते रहती है। और बड़की, तूने जब वादा किया था कैटरीना का मेकअप सिखाएगी तो तू काजल का मेकअप क्यों सिखाने लगी? ओफो, क्या छोड़, बड़की तू बहुत खूबसूरत। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, मुझे इतना खूबसूरत बनाने के पीछे तो आप लोगों का ही हाथ है। खूबसूरत लग रही है, पता नहीं भगवान करे तुझे नजर न लग गए। चल छोटी जल्दी से दीदी को सॉरी बोल और सॉरी बोलकर सब कुछ ठीक कर ले, क्योंकि सब ठीक रहता है तो ही जिंदगी का पहिया ठीक से घूमता है। समझ में आया ना तुझे? चल जल्दी से दीदी को सॉरी बोल और चल हम लोग लंच करते हैं। आज मैंने तेरे लिए वो फेवरेट डिश बनाई है। अभी नहीं, जा सॉरी बोल। दीदी।